गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, इन दिनों बसंत का मौसम है और फरवरी का महीना है, और ये मौसम काफ़ी सारे फूलों के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए जाना जाता है। और बसंत तो हमारे गार्डन में पूरा भर भर के आ गया है, और जिधर भी देखिए केवल फूल ही फूल हैं। तो ऐसे में हम कुछ केयर करना भी ज़रूर चाहेंगे, और ऐसे खूबसूरत पौधों की जो केयर, थोड़ी सी केयर के बाद खूब अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और सालों साल बने रहते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ अपने गुलाब की, गुलाब के पौधों की, और इसी के लिए कुछ टिप्स बताऊंगी कि इसकी केयर इन दिनों कैसे करें फरवरी के महीने में, क्योंकि डोरमेंसी से ये अब उभर चुके हैं और फिर से इनमें अच्छी ग्रोथ निकल कर सामने आएगी और नए नए फ्लावर्स भी खिलेंगे और नई कलियां भी सामने आएंगी। तो इसी टिप्स, कुछ टिप्स के कारण 5-6 टिप्स है गुलाब की इन दिनों करने के लिए। तो इन दिनों आप यही सब टिप्स अपना कर खूब अच्छी फ्लावरिंग अपने गुलाब के पौधों से ले सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, और कमेंट तो लिखना बनता ही है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी फ्लावर आपको कैसे लगे, कुछ हेल्पफुल है या नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये जो गुलाब के फ्लावर्स हैं वो सब मेरे गार्डन के ही हैं, जो एक बार अब खिल के जा चुके हैं और फिर से अब नई ग्रोथ करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें कुछ टिप्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात है गुलाब के पौधों के लिए कि इन पौधों को उस जगह प्लेस करें जहाँ पर कम से कम सुबह से लेकर शाम तक की धूप लगे, मैंने 5-6 घंटे की धूप तो ज़रूर इन्हें मिलनी चाहिए इनकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो पहला काम आप ज़रूर ये करें कि इसको ऐसे जगह प्लेस करें जहाँ दिन भर की धूप आती हो, इससे इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी निकल के सामने आएगी, क्योंकि इन दिनों इन्हें धूप की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि डोरमेंसी से अभी अभी ये निकल कर सामने आए हैं और इन्होंने काफ़ी मार झेला है मौसम की, क्योंकि कभी बर्फीला हवा चल रहा था और कभी काफ़ी ठंड हो जा रही थी, कभी वर्षा हो रही थी। तो अब इनके ग्रो करने का समय है, तो हमें इनकी केयर करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला टिप्स तो वो है कि आप इन्हें धूप में प्लेस करें, और दूसरी बात है कि इनमें अभी कलियां बनेगी, फूल खिलेंगे, तो इस कभी इन दिनों ये भी होता है कि इनके नीचे से जो जंगली पौधा जिसपे ग्राफ्टिंग की जाती है उसकी नई नई ब्रांचेस भी निकल कर सामने आती है, और देखने में वो गुलाब के जैसे ही लगती है, लेकिन इतनी तेज़ी से वो ग्रो करती है कि पहचान में आ जाती है, और उसके पत्ते भी कुछ दूसरे ही टाइप के होते हैं, जो मेन हमारा ग्राफ्टिंग वाला रोज है उसके जैसा इसका पत्ता नहीं होता। बहुत तेज़ी से बढ़ती है और मोटी मोटी इसकी शाखाएँ निकलती हैं, तो उसको हम काट के हटा दें, क्योंकि वो सारा एनर्जी हमारा प्लांट का ले लेता है, और मेन जो रोज ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा है रोज़ का, उसको ग्रोथ करने नहीं देता है, तो उसको भी हमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात अभी इस समय ये है कि अगर आपके रोज़ के पौधे खिल के जा चुके हैं तो उनकी आप सॉफ्ट प्रूनिंग करें, तभी अच्छी ग्रोथ निकल कर सामने आएगी। जैसे कि ये रोज मेरा खिल के जा चुका है, तो उसके 2-3 पत्ती के बाद हमें इसको प्रून कर देना है, इससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी निकल कर सामने आती है। और इसके अलावा कई सारे ब्रांच ऐसे होते हैं जिसके एंड जाके डेड हो जाती है, उनको भी हमें प्रून करना भी बहुत ज़रूरी है, तो सॉफ्ट प्रूनिंग इस समय ज़रूरी है। हार्ड प्रूनिंग तो हमने सितंबर अक्टूबर में किया ही है, और ये भी देखिए ये फूल हमारा खराब हो मुरझा गया है, खराब हो गया है, तब इसको भी मैं प्रून कर दूंगी। तो इस तरह से आप अपने मुरझाए हुए फूलों को मोह ना करें कि अभी और लगा रहेगा, और 2-3 पत्ते नीचे से आप इसको प्रून कर दें। तो ये हुई सॉफ्ट प्रूनिंग की बात। और कई सारे देखिए ये डेड एंड, ये देखिए ये भी मेरा फूल खराब हो गया, अब इसको भी मैं काट दे रही हूँ। और इसी तरह से
किसी तरह से कि जिसमें भी डेड एंड है, जिसकी कलियाँ सूख के जा चुकी है, सभी की हमें प्रूनिंग करनी भी उतनी ही ज़रूरी है ताकि ग्रोथ निकल कर सामने आए। और जिनकी देखिए टहनियाँ अब डेड एंड की तरफ हैं, उनको भी मैं प्रून कर दूंगी। इस तरह से सभी ब्रांचेस को देख देख कर आप प्रून कर दें, तभी नई ग्रोथ निकल कर सामने आएगी दोस्तों। और ये देखिए इनकी कुछ पत्तियाँ सूख गई हैं डेड एंड में, तो इनको भी मैं हल्के हल्के प्रून कर दूंगी। तो इस तरह से आप भी इसकी देखभाल इस तरह से करें कि सारी जो ब्रांचेस डेड एंड की तरफ हैं उनको आप प्रून कर दें। काफ़ी ज़्यादा प्रूनिंग करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, हल्की हल्की प्रूनिंग ही मांगते हैं इस समय ये, और ग्रोथ अच्छी करने लगेंगे और नई कलियां निकालने लगेंगे। गुलाब में दोस्तों नई नई ब्रांचेस पे ही नई कलियां निकलती हैं, इसलिए इनको प्रून करना ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए इस तरह से मैं सभी को प्रून कर दूंगी। इस तरफ मेरा इस स्टैंड पे सारे रोज के फ्लावर हैं, ये देखिए कितना बंच में इसका फ्लावर निकला है। तो सभी में अभी एक बार फ्लावरिंग करके जा चुके हैं, तो मैं इसको सभी की ब्रांचेस देख देख कर सभी को मैं प्रून कर रही हूँ। और आप भी अपने गार्डन में इस तरह से रोज की देखभाल करें। और तीसरा टिप्स ये है कि आप अपने गुलाब के पौधों की गुड़ाई भी करें। गुड़ाई करने से अभी जो सनलाइट मिल रही है, अच्छी धूप निकलने लगी है, तो इसके जड़ों तक भी सनलाइट का फ़ायदा पहुंचेगा। ये देखिए मैंने बीड्स को हटाना शुरू किया, ये देखिए इस तरह से निकलते हैं बीड्स, जो जंगली टहनी होती है वो, ये देखिए इसमें भी किसी में तो काफ़ी बड़ी है, देखिए ज़मीन से निकल रही है दोस्तों, ग्राफ्टिंग पोर्शन से के नीचे से निकलती है ये टहनी, तो इसको आप ज़रूर रिमूव कर दें, नहीं तो सारा एनर्जी ये पौधे का खींच लेगा और पौधों में ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये जंगली बन जाएगा, पौधा भी ख़राब हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं है इसे रखने से। देखिए इसमें कितनी बड़ी टहनी हो गई है, ये जंगली टहनी है, इसको भी मैं पूरे एंड से ही रिमूव कर रही हूँ, इसको काट नहीं रही हूँ दोस्तों, जहाँ से ये निकली है वहीं से रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि काटने से ये होता है कि फिर वहीं से नया ग्रोथ लेकर सामने आ जाता है ये। इसी तरह जड़ों के तरफ सभी गुलाब के आप देख लें और सभी बीड्स को आप रिमूव कर लें। ये देखिए सभी में मैं देख देख कर सभी को निकाल रही हूँ, किसी में छोटी सी निकली है, किसी में अच्छी बड़ी ब्रांच हो गई है, तो सभी को इस तरह से आप रिमूव कर लें। और एक बात और है, देसी गुलाब जितने भी हैं उनमें ये बीड्स नहीं निकलते, क्योंकि इसमें ग्राफ्टिंग नहीं होती है दोस्तों, ये कलम से लगाए जाते हैं। कलम से मतलब इसकी टहनी को अगर हम ज़मीन में लगा दें तो उसमें ग्रोथ हो जाती है और वही फ्लावरिंग भी करने लगते हैं। इसमें देखिए कितना बड़ा हो गया है, ये देखिए, और बहुत ही मोटा ताज़ा रहता है, हेल्दी रहता है इसका स्टेम जो निकलता है बीड्स के रूप में। ये देखिए इसमें 7 पत्ते होते हैं, ये भी इसका एक पहचानने का तरीका है। आमतौर पर सभी गुलाब में 5 पत्तियां ही होती हैं और इसमें 7 पत्ते होते हैं, तो इसको इस तरह से हमने सभी को रिमूव कर दिया है। सभी को देख देख कर एक एक गुलाब के पौधे को हमने रिमूव कर दिया है। उसके बाद का तीसरा टिप्स हमारा आता है, चौथा टिप्स आता है हमारा गुड़ाई करने का, कि सभी इस तरह से हमने इसकी कटिंग भी, ऊपर से जो फूल सूख गए हैं उसको भी मैंने तोड़ लिया है और उसे प्रूनिंग भी कर ली। अब इस तरह से अब मैं सभी गुलाब के पौधों की गुड़ाई कर ली हूँ। देखिए सभी पौधों की मैंने गुड़ाई कर ली, तो गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एयर फ्लो भी सभी जड़ों के नीचे तक हो जाता है और सनलाइट भी जड़ों तक पहुंच जाती है, ताकि ये जड़ों का विकास भी अच्छे से हो सके। तो इस तरह से हमने गुड़ाई कर ली और अब बारी है फर्टिलाइज़र डालने की। तो फर्टिलाइज़र में सरसों का
लिक्विड फर्टिलाइज़र हम डालते हैं इन दिनों, और इसमें हमने इप्सम सॉल्ट मिलाया है और साथ फंगीसाइड, एक मुट्ठी इप्सम सॉल्ट और एक चम्मच साफ फंगीसाइड हमने इसमें मिलाया है, और खूब अच्छी तरह से हमें इसको मिलाना है ताकि खूब अच्छी फर्टिलाइज़र, अच्छा फर्टिलाइज़र हमें मिल सके। तो ठंड के दिनों में सरसों के का फर्टिलाइज़र हम हमेशा ही डालते रहते हैं 15 दिनों पर या 1 महीने पर, इससे काफ़ी ग्रोथ निकल कर सामने आती है। सरसों के फर्टिलाइज़र में 200 एनपीके तो होता ही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, और क्योंकि गुलाब का पौधा को एसिडिक सॉइल चाहिए इसलिए हम इप्सम सॉल्ट उसमें डालते हैं, इससे काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है पौधों में, इसलिए समय समय पर मैं इसे हमेशा ही डालती रहती हूँ, और जड़ें भी मजबूत होती हैं और पौधा मरता नहीं है इप्सम सॉल्ट से। तो इस तरह से हमने खूब अच्छी तरह से मिला लिया है, और सभी में मैं जिस गमले की जैसी रिक्वायरमेंट है मैं उसको डाल दूंगी। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के पहले हमें पानी नहीं डालना चाहिए, ये सूखा अगर गमला रहे तो उसमें ही डालना चाहिए, क्योंकि हेवी वाटर होने से पौधे को नुकसान ही पहुँचेगा। तो ये इस तरह से हमने इसकी केयर की, और अगर ज़रूरत पड़े गुलाब में काफ़ी थ्रिप्स और माइट का अटैक देखने को सामने आता है, क्योंकि अब धूप तेज़ होगी तो इसके अटैक भी बढ़ेंगे, तो आप फंगिसाइड का भी यूज़ कीजिए, हमेशा समय समय पर इसमें स्प्रे करते रहिए ताकि इनमें अच्छी ग्रोथ निकल कर सामने आए। तो इस तरह से हमने आपको बतलाया कि किस तरह से आप अपने गुलाब की केयर करें फरवरी के महीने में, ताकि आपकी भी फ्लावरिंग इस तरह से खूबसूरत हो सके और गार्डन फूलों से भरा रहे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में लिखना ना भूलें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, ओके बाय बाय माई फ्रेंड्स, टेक केयर।